एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 पेरिमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने लगी हूं। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को करना स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। इट मीन्स ये हमें ट्राइंगल्स गिवन है, इसका हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज, इस तरह से ये ट्राइंगल है, सो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो हाफ मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है हमारी, ब्रेथ ये होती है एंड हाइट हमारी ये होती है। सो ब्रेथ हमारी 4 सेंटीमीटर जो हमें गिवन है, राइट, एंड हाइट भी हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। सो इसको हम कट कर देते हैं, 2 2 4, सो आंसर इज 2 3 6 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, सिमिलर बी पार्ट भी हम इसी तरह से करेंगे, इसमें भी हमें एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो हाफ मल्टीप्लाई ब्रेथ इसमें क्या गिवन है, 5 इसमें ब्रेथ है, हाइट क्या है हमारी 3.2 सेंटीमीटर। सो ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट इज 3.2 सेंटीमीटर। सो आंसर इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3.2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 10 0.5 3 15 1 16। सो स्टूडेंट, जिस तरह से पॉइंट के बाद जीरो आता है तो हम इसको एड ऑन नहीं करते हैं, सो इसको हम स्किप कर देंगे। एक्चुअल आंसर हमारा क्या आ गया, 16, राइट। सो 2 को हम 16 से कट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, सो आंसर इज 8 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, सो सिमिलर स्टूडेंट का सी पार्ट भी हम इसी तरह से करेंगे। सो इसमें भी हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो हाफ इसमें ब्रेथ क्या है हमारी 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इसमें क्या गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, सो इसमें 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 को, 2 2 4 एंड 3 2 6 6 1 6 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये स्टूडेंट स्क्वायर मैंने क्यों लगाया है, बिकॉज हम एरिया किसी भी शेप का अगर हम एरिया निकालेंगे तो जो एरिया है वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में आएगा। और वैसे भी एक्चुअल में आप इसमें देखो, जिस तरह से ये सेंटीमीटर 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 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दैट्स व्हाई सेंटीमीटर की स्क्वायर एंड एरिया हमेशा स्क्वायर फॉर्म में आएगा। ओके स्टूडेंट, सिमिलर डी पार्ट भी इसी तरह से करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो हाफ मल्टीप्लाई ब्रेथ इसमें क्या गिवन है हमें 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इसमें गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर, राइट। सो 2 से 2 हमारा कट हो गया, सो आंसर इज 3 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, सो होप सो स्टूडेंट आपको मेरे द्वारा बताया गया ये सोल्यूशन समझ में आया हो। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।